सिंह जी, देवेंद्र प्रताप सिंह जी के पास चलेंगे। आपने बहुत बोल लिया साहब, थोड़ा विपक्ष को भी मौका दीजिए, हर जगह तो आप ही बोल रहे हैं, जनता के बीच में उनको भी पहुंचने दीजिए, उनकी बात भी आने दीजिए। ठीक है देवेंद्र प्रताप सिंह जी, मेरा सवाल यह है कि निकाय चुनाव पर भी आज चर्चा कर रहे हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि अभी तक उपचुनाव में तो आप नहीं थे, निकाय चुनाव में पार्टियां सिंबल पे लड़ने जा रही हैं, एक लिटमस टेस्ट होगा खाबरी जी के लिए भी होगा, कांग्रेस की नीतियों का विवाद होगा, बदले माहौल में अखिलेश जिस तरह से मुद्दों को लेकर जमीन पर उतर रहे हैं, कांग्रेस उन मुद्दों पर जनता का कितना विश्वास जीत पा रही, इसकी भी परख होगी, पार्टी इसके लिए कितनी तैयार है? देखिए सलीम भाई, कम से कम मुझे आज बहुत दिल से खुश हूँ कि जब इस पूरे देश में खासकर हमारा कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल, देखिए अभी भी बोल ही रहे हैं लगातार, आपके इतने चुप करने के बाद भी वो लगातार बोले जा रहे हैं, विपक्ष के लिए कोई मौका ही नहीं है। कम से कम ओपी सिंह जी, अब अपील कर दी, अब तो विपक्ष ने अपील कर दी साहब, अब तो चुप हो जाइए, लगातार चुप हो जाइए ओपी सिंह जी, थोड़ा बोल लेने दीजिए, देवेंद्र जी को भी थोड़ा बोल लेने दीजिए। ठीक है सर, बोलिए आप। मैं दिल की गहराई से सैलन भाई आपको, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम आज इस अंधियारे में एक लव दिखाने के लिए आप जो काम कर रहे हैं, इस हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को जिसका हम सभी देशवासी सम्मान करते थे, हम अपने चौथे स्तंभ मीडिया को, आज कम से कम आपसे एक निष्पक्षता का जो एक भाव जो पुट देख रहा हूँ इंडिया न्यूज के चैनल के माध्यम से, मैं तहे दिल से आपका और आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ। मगर देखिए लगातार आपके इतने चुप करने के बाद भी भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लगातार ओपी सिंह जी बोलते हैं, वो नहीं चुप होते, वो कहते हैं साहब 70 साल आपने कुछ किया नहीं, और उन्होंने पिछले 10 साल में इतना कर लिया कि बताते बताते थक जाएंगे। केवल सैलेन भाई, भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा है, ये बातें तो कुछ करते हैं और करते कुछ हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करना चाहती है, बांटने की राजनीति करना चाहती है, लोगों को झूठ झूठ, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनके प्रवक्ता, इनके मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, पता नहीं इनको कौन से घुटकी पिए हैं, जो झूठ का सहारा लेते हैं। सबसे पहला लेटर कोरोना पे जारी कर दिया राहुल गांधी को, झूठ 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 झूठ, झूठ खाना, झूठ पहनना, झूठ बोलना, झूठ बिछाना, ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। कभी ये हिंदू मुसलमान करेंगे, कभी लव जिहाद की बात करेंगे, कभी पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करेंगे। और एक बात भारतीय जनता पार्टी के सलीम भाई, आप प्रवक्ताओं को और देखते होंगे, इनके नेताओं को नहीं, मेरा सवाल जी छोटा सा है, मेरा सवाल छोटा सा है, मैं चुनाव, ये सारी बात आप समझ रहे हैं, मैं चुनाव जीत रहा हूं, मैं चुनाव जीत रहा हूं, अरे सब लोग जानते हैं, शैलेन शर्मा भी जानते हैं, और हमारे जो है सपा के प्रवक्ता भाई समीर भी जानते हैं, और देश भी जानता है कि आप चुनाव जीतने के लिए किन किन हथकंडों का साम दाम दंड भेद आप उसको अख्तियार करते हो। आप जो है अभी अभी इस चुनाव में, जब दिल्ली के निकाय चुनाव में 15 साल से इनका सत्ता था, पूरी तरह शिकस्त हुई, हिमाचल में इनको कांग्रेस ने बुरी तरह परास्त किया, पूरे देश में उपचुनाव में ये बुरी तरह हारे हैं, और गुजरात के चुनाव को जीतने के लिए इन्होंने क्या कुछ नहीं किया है। देश के सारे वक्त की कमी है देवेंद्र जी, मेरे पास थोड़ा वक्त की कमी है, वक्त की कमी, आपसे एक सवाल जानना चाहता हूँ, ये जो सारे मुद्दे हैं, ये जो सारी परेशानियां, इन्हें आप समझ रहे हैं, पार्टी भी समझ रही है, लेकिन इसे माहौल बनाने के लिए, जनता के बीच में उजागर करने के लिए आप करेंगे क्या? देखिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी वसूलों की पार्टी है, सिद्धांतों की पार्टी है, और कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी को, लोकतांत्रिक संवैधानिक जिम्मेदारी को समझती है, तो इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दिया है। ये कहा जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी, पूछिए इनके प्रवक्ता से, क्या देश के जंगे आजादी में क्या भारतीय जनता पार्टी किसी नेता ने शहादत देने का काम किया है कि आज बड़ी बड़ी दीगे हाथ रहे हो कि मैं ये चुनाव जीत रहा हूं, वो चुनाव जीत रहा हूं, और ये चुनाव जीत करके क्या करते हैं? 2014 से जब से मोदी जी चुनाव जीते हैं,
और उत्तर प्रदेश में चुनाव जीते हैं, सिवाय जनता को दुख और तकलीफ सिवाय कुछ भी नहीं किया है। इन्होंने गब्बर टैक्स जीएसटी दिया, इन्होंने नोटबंदी दिया, इन्होंने कोरोना में जिस तरीके से अव्यवस्था किया और इनके अव्यवस्था के कारण जिस सरकार ने अपनी जिस सरकार ने अपने जनता को अपने लोगों नागरिकों को पैरासिटामॉल ऑक्सीजन सिलेंडर बेड और विटामिन सी विटामिन डी की टेबलेट नहीं दे पाई, आज वो दम भरते हैं कि देश की नहीं सेवा कर देगा। समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं हम जेल भरेंगे, जमीन पर संघर्ष करेंगे, आप क्या करेंगे, आप कैसे जनता का साथ पाएंगे? पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से दौरे होंगे, लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के झूठ फरेब जालसाजी वादा खिलाफी नफरत हिंसा और जो लोकतंत्र संविधान के दुश्मन है इनको बेनकाब करने के लिए सड़क से लेकर चलिए। वक्त की कमी हमारे पास, वक्त की कमी है देवेंद्र जी, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है।